नेक्स्ट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में तो so क्या 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 दे रखा है एक सर्कल दे रखा है और बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं एंड तो ये पी पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन दे रखा है सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो तो सर्कल का सेंटर दे रखा है माइनस जी कॉमा माइनस एफ रेडियस निकाल लेंगे रेडियस निकल जाएगी अच्छा और क्या क्या पता है अपने को तो क्वेश्चन में क्या क्या अच्छा और क्या क्या निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं तो ये कोई ए है ये बी है तो ए पी इज इक्वल टू बी पी विच इज़ लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है रूट एस वन रूट एस वन मतलब पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख दो तो वहाँ से निकाल लेंगे नेक्स्ट तो इसमें अब अपने को क्या क्या, क्या करना है तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रैंगल एरिया ऑफ ट्रैंगल फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कॉड ऑफ कॉन्टेक्ट तो इसके इसमें क्या हो जाएगी ए बी तो ए बी इज अड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स पेयर ऑफ टेंजेंट्स तो इसका क्या मतलब है ये ट्रैंगल ए बी पी का एरिया पूछ रहा है ट्रायंगल एबीपी का एरिया पूछ रहा है तो ठीक है हमें और क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए तो सी और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन एबी के परपेंडिकुलर होगी सी और बी को सी और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन एबी के परपेंडिकुलर होगी इसका नाम दे दिया एम तो इसका नाम हो गया एम नेक्स्ट ये हो गया थीटा एंगल तो ये हो गया थीटा एंगल तो इसमें हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं तो तो हमें ए एम निकालना है और पी एम निकालना है तो हमें ए एम निकालना है और पी एम निकालना है तो ठीक है राइट एंगल ट्रैंगल के फंडे यूज करेंगे तो अगर मैं देखूँ तो राइट एंगल ट्रैंगल एम पी राइट एंगल ट्रैंगल ए एम पी में पी एम इज़ अ बेस तो पी एम इज बेस और हाइपोटेनिस एल तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये क्यों हो जाएगा थीटा और ए एम इज़ अ परपेंडिकुलर तो वो हो जाएगा एल साइन थीटा तो एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी पी कितना होगा हाफ बेस ए बी इन हाइट पी एम तो हाफ ए बी ए बी होगी डबल ऑफ ए एम इंटू पी एम फिर टू टू कैंसिल हो जाएगा तो ए एम इंटू पी एम ए एम हो जाएगा एल थीटा और पी एम हो जाएगा एल थीटा तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर साइन थीटा इंटू थीटा अब क्वेश्चन उठता है कि, कि हम क्या थीटा साइंथीटा थीटा निकाल सकते हैं तो साइन थीटा थीटा तो उसके लिए क्या करेंगे ट्रेंगल कंसिडर करेंगे तो उसके लिए हम लोग ट्रैंगल कंसिडर करेंगे ए सी पी ट्रायंगल एसीपी तो ट्रायंगल एसीपी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें बेस एल हो जाएगी और परपेंडिकुलर रेडियस हो जाएगा परपेंडिकुलर रेडियस हो जाएगा रेडियस आर ले लेते हैं कैपिटल आर रेडियस इज कैपिटल आर तो एसीपी राइट एंगल ट्रायंगल में तो, सी, तो देर विल बी अ ए सी पी राइट एंगल ट्रैंगल तो ए सी पी तो सी पी ए पी हो जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये हो जाएगा आर एंड बेस एंगल थीटा तो यहाँ से ओके तो पाइथागोरस थ्योरम से सी पी निकल जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो साइन थीटा कितना आया परपेंडिकुलर अपॉन सी पी और थीटा कितना आया बेस अपॉन सी तो एल स्क्वायर इन टू साइन थीटा हो जाएगा आर अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और कॉस् थीटा हो जाएगा एल अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो आर एल क्यूब अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो दिस विल बी द फॉर्मूला तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी पी आर एल क्यूब अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नेक्स्ट है ओके okay, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट है लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कौन होगी ए बी और ए बी कौन आया था टू ए एम टू एम और एम uh, कितना निकाला था हम लोगों ने एल साइन थीटा एल साइन थीटा फिर टू एल और साइन थीटा कितना निकला था आर अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो दिस इज द आंसर पॉइंट थर्ड पॉइंट है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी बी पी तो उसको ऐसे देख सकते हैं टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रैंगल ए सी पी और ए सी पी एक राइट एंगल ट्रैंगल है तो हाफ इंटू आर इंटू एल तो ये आ जाएगा आर इंटू एल फोर्थ पॉइंट है एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स और एंगल बिटवीन पेर ऑफ टेंजेंट कितना होगा ये थीटा है ये थीटा है तो इट्स टॉकिंग अबाउट द टू थीटा तो कंसिडर टेन टू थीटा और टेन टू थीटा होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो अगर मैं राइट एंगल ट्रैंगल अगर मैं राइट एंगल ट्रैंगल कंसिडर करूँ सी पी ए ये एल हो गया ये थीटा हो गया ये रेडियस हो गई ये नाइन्टी डिग्री हो गया और ये रूट ओवर गए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया तो टेन थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा आर बाय एल तो टेन टू थीटा कितना हो जाएगा टेन टू थीटा होगा टू आर बाय एल अपॉन वन माइनस एल स्क्वायर ओ ओ आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर तो ये आ जाएगा टू आर एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो टू थीटा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स टू आर एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो दिस इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल एबीपी तो एबीपी को सर्कम करने वाला सर्कल की क्वेश्चन है तो हो कह रहा है कि ए बी पी को सर्कल्स्क्राइब करने वाला सर्कल सी से भी पास होगा क्यों क्योंकि सी पी को अगर मैं देखूं तो सी पी ए पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है और बी पे भी 90 डिग्री सबटेंड कर रही है तो इसका मतलब है सी पी एक डायमीटर है सी पी एक डायमीटर है जो ए पर और बी पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है तो ए बी पी से पास होने वाला सर्कल सी से भी पास होगा और उस सर्किल की इक्वेशन सी पी एस ए डायमीटर होगी तो उस सर्किल की इक्वेशन सी पी एस डायमीटर होगी और डायमीटर सर्किल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग x माइनस एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई टू प्लस वाई माइनस वाई वन ओ एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो तो ये आ जाएगा सर्कल का इक्वेशन